हेलो टेक चार्जर्स, पबजी मोबाइल की इंडिया में वापसी तय हो गई है। जल्दी ही दोस्तों डेट भी अनाउंस होने जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि क्राफ्टन इनकॉर्पोरेशन ने इंडिया में पबजी का नाम चेंज करके बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रख दिया है। ये गेम जल्दी ही दोस्तों लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन 6 मई को कंपनी ने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को भी अनाउंस कर दिया है। ऑफिशियल पेज पर जाकर यानी कि वेबसाइट पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। ये सबसे अहम चीज है, क्योंकि पिछली 1-1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट वेबसाइट्स और एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी हंगामा भी हो चुका है। इसीलिए अब पबजी मोबाइल यानी कि क्राफ्टन इनकॉर्पोरेशन नहीं चाहता है कि इस तरह के किसी झमेले में वो पड़े, तो उसने प्राइवेसी पॉलिसी आप सबके सामने रख दी है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो हम आपको बताने जा रहे हैं। इंट्रो के उस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो लास्ट तक देखिए वीडियो में। हम अश्वा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेटा कलेक्शन से। इंफॉर्मेशन को आखिर 3 तरह से क्राफ्टन मोबाइल ने बताया है कि कलेक्ट किया जाता है। एक तो सीधे यूजर से डिमांड करके, दूसरा होता है ऑटोमेटिक बेस पर, और तीसरा होता है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। तो क्राफ्टन इनकॉर्पोरेशन ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में साफ कर दिया है कि पहले और दूसरे तीसरे तरीके से किसी भी तरह का डेटा, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन यूजर की कलेक्ट नहीं की जाएगी। डायरेक्ट ऑटोमेटिक बेस पर जब भी क्राफ्टन मोबाइल को किसी भी तरह की आपके इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, जिसमें कि आपकी ब्राउजिंग जो ऐप ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में, या फिर आपके फोन के ओएस वर्जन के बारे में, या फिर आपकी जो हिस्ट्री वगैरह है ब्राउजिंग उससे रिलेटेड, आईपी एड्रेस लोकेशन वगैरह जो आपको उसको चाहिए होगी वो ऑटोमेटिक बेस पर ले लेगा। और यहां पर आपको पहले ही इस चीज की कमांड देनी होगी। इसके अलावा कुकीज और अदर टेक्नोलॉजी को भी यूज करेगी कंपनी, जैसे कि आपने जो भी ब्राउजिंग की है उसकी छोटे छोटे डेटा इंफॉर्मेशन जो होती है वो फोन के अंदर आपके डाउनलोड हो जाती है, उसका वो यूज करेंगे ताकि आपकी जो इंटरेस्ट है किसी भी चीज को लेके उसको वो समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वो आपके आपके एप्लीकेशन के लिए और आपके फोन के लिए काम कर सके। अब इसके बाद अहम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारा जो डेटा कलेक्ट करेगी क्राफ्टन, इसका करेगी क्या? तो कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक कंपनी आपके डेटा का जब भी उसको जरूरत होगी तो वो इस्तेमाल करेगी आपके लिए, आपकी सर्विस को ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है या इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए ही आपके डेटा का यूज किया जाएगा, या फिर आपको डिस्काउंट वगैरह अगर उसके जो भी जो पार्टनर्स हैं, ऑफिशियल पार्टनर्स हैं क्राफ्टन के, उनको भी शेयर किया जा सकता है ताकि आपको डिस्काउंट्स वगैरह आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सर्विसेज में प्रोवाइड कराए जा सके। अब यहां पर सर्वर के बारे में भी कंपनी ने काफी विस्तार से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में जिक्र कर दिया है कि कंपनी के 2 सर्वर रहेंगे, एक इंडिया में और एक सिंगापुर में। डेटा यूजुअली इंडियन सर्वर में ही ज्यादातर यूजर का रहेगा, लेकिन इसके अलावा अगर इंडिया के बाहर जरूरत होगी तो सिंगापुर सर्वर के लिए भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांसफर के बारे में भी कंपनी ने साफ कर दी अपनी राय कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो पूरे जो कायदा होगा, जो कायदा होता है कि आपकी जो डिटेल्स है वो किसी के साथ में शेयर ना हो, तो उसी रूल के अंतर्गत जो भी पार्टनर कंपनीज होंगी जो एप्लीकेशन के लिए काम करती हैं, जो गेम के लिए काम करती हैं, उनके साथ में साझा की जा सकती है, और जब काम खत्म हो जाएगा तो कंपनी के मुताबिक उस डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा। इन सारे पॉइंट्स के बाद एक और पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्राइवेसी पॉलिसी में, पेरेंटियल सपोर्ट का। 18 साल से ज्यादा के यूजर्स बिना वेरिफिकेशन के गेम में आनंद ले सकते हैं, उसका यूज कर सकेंगे, लेकिन 18 साल से कम के बच्चे जो होंगे वो भी यूज कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। मतलब पेरेंट के साथ में उन्हें अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, जो पेरेंटियल उनको अप्रूवल मिल जाएगा टाइम के लिए कितनी टाइम खेल सकते हैं, तो उस तरह से वो गेम का आनंद ले पाएंगे। लेकिन बिना वेरिफिकेशन के 18 साल से कम लोग यूज नहीं कर सकते। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में गेम को लेकर काफी आलोचना हो चुकी है कि वायलेट करता है लोगों को, काफी एग्रेसिव बनाता है, तो इन चीजों को लेकर कंपनी अब वो सारी चीजों को खत्म करने की पूरी मंशा बना चुकी है। इसके अलावा अगर आप अपने डेटा को यूज रिमूव करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन जो आपकी सर्वर के पास है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो कंपनी ने कहा कि वो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसको कंपनी अपने पास संभाल के रखेगी। अगर आप अपना अकाउंट भी बंद कर देते हैं उसके बाद भी,
ताकि आपके इंफॉर्मेशन की डिटेल कुछ कंपनी के पास रहे, कभी भी आप फ्यूचर में जब दोबारा से अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ में वो मैच करके उसका वो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी डिटेल, और बहुत ज्यादा कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी में जो कि आपको दिक्कत में डाल सके और आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। एक नॉर्मल सा उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव आने वाले दिनों में करें। जब भी कुछ अपडेट आगे आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये दोस्तों वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।